गुलाम नबी आजाद अब कांग्रेस से लगभग आजाद हो गए हैं। राज्यसभा से आजाद की विदाई हो गई है और गांधी परिवार से हाल के दिनों में उनके रिश्ते को देखते हुए अब उम्मीद कम ही है कि उनकी वापसी दोबारा राज्यसभा में होगी। वहीं आजाद की राज्यसभा में विदाई के दौरान मोदी और आजाद की अलग केमिस्ट्री देखने को मिली थी। एक वाक्य को याद करते हुए, पहले मोदी भावुक हो गए थे और उसके बाद आजाद भावुक हो गए। इतना ही नहीं, राज्यसभा में पीएम मोदी ने आजाद की जमकर तारीफ की थी। शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी विपक्षी नेता की विदाई पर पीएम ने उनकी तारीफ की हो। पीएम के तारीफ के बाद ही कयासों का बाजार गर्म है कि क्या गुलाम नबी आजाद बीजेपी ज्वाइन करेंगे। वहीं बीते दिनों दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित मुशायरे के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को साधने का एक और प्रयास किया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत मुशायरे के अवसर पर कांग्रेस नेता के लिए केंद्र सरकार की तरफ से रेड कारपेट व कट आउट लगाए गए। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के दो मंत्रियों मुख्तार अब्बास नकवी और जितेंद्र सिंह ने भी हिस्सा लिया। ये पहला मौका था जब केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में किसी कांग्रेस नेता का पोस्टर लगाया गया था। केंद्र सरकार के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेता का जोरदार स्वागत भी किया। मतलब आजाद को साधने का प्रयास बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार जारी है। वही आजाद और कांग्रेस के रिश्ते भी इन दिनों ठीक नहीं है। पिछले साल सोनिया गांधी को लेटर लिखने वालों में आजाद भी शामिल थे और तब से ही आजाद को कांग्रेस में किनारे कर दिया गया है। हालांकि आजाद को मनाने में बीजेपी कितनी सफल होती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुशायरे में बीजेपी नेताओं के साथ कुर्सी साझा कर आजाद ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।